हेलो फ्रेंड्स, एम एस एक्सेस मैं क्वेरी को लेकर के मैंने एक और वीडियो तैयार किया है, जो कि सेकेंड या थर्ड यूनिट में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेरी एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम आवश्यकता अनुसार और अपनी ज़रूरत के अनुसार डेटाबेस को टेबल से देख सकते हैं। अर्थात यदि हमें टेबल से किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन करना है, टेबल से किसी तरह का कोई रिजल्ट प्राप्त करना है, तो क्वेरी टूल्स के द्वारा हम अपनी आवश्यकता अनुसार डेटा को एक या अधिक टेबल्स में से निकाल करके और अपने सामने देख सकते हैं। वैसे यदि हमारे टेबल में छोटा डेटाबेस है तो उससे हम नॉर्मल देख करके भी टेबल को ओपन करके भी हम अपना डेटाबेस छांट सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा डेटाबेस होता है, टेबल में रिकॉर्ड्स की संख्या बहुत होती है और उनमें से यदि हमको किसी तरह के विशेष प्रकार के डेटा को यदि हमको प्राप्त करना होता है, तब वहाँ पर हमारे पास एमएस एक्सेस में एक बहुत अच्छा टूल है जिसे हम क्वेरी के नाम से जानते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेरी हैं जो सिस्टम के द्वारा हमको दिए गए हैं और यूज़र कुछ अपनी आवश्यकता अनुसार भी क्वेरी को डिज़ाइन कर सकता है। तो क्वेरी बहुत बढ़िया टूल्स है जिसका प्रयोग हम अपने एमएस एक्सेस में डेटाबेस को प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसमें जो रिज़ल्ट हमको प्राप्त होता है उसे कई तरह से व्यू में हम देख सकते हैं, फॉर्म के रूप में, रिपोर्ट के रूप में, टेबल के रूप में। मेनली जो क्वेरी है उस क्वेरी को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सेलेक्ट क्वेरी है, एक्शन क्वेरी है जिसमें चार प्रकार है, मेक टेबल, अपडेट, अपेंड एंड डिलीट, और तीसरा है क्रॉस स्टेप क्वेरी। तो ये तीन बेसिक क्वेरीज हैं जिनके द्वारा हम अपने पूरे डेटाबेस में कई तरह के कार्यों को करते हैं। तो क्वेरी को यूज़ करने का तरीका मैं आपसे बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए, उस डेटाबेस मैं कुछ रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। सपोज़ करिए मेरे पास एक स्टूडेंट डिटेल नाम की एक टेबल है, उस टेबल में मैंने पांच यहाँ पर फील्ड लिए हैं, सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फीस और एड्रेस, और तीन इनमें डेटाबेस है मेरे पास। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसका मेरे को एक क्यूरी बनाना है। सबसे पहले यदि हमें किसी टेबल की क्यूरी बनाना है तो आप क्रिएट बटन पर जाइए। क्रिएट बटन पर क्लिक करने के बाद आप राइट हैंड कॉर्नर की तरफ देखेंगे, तीन विकल्प आपको देखेंगे, क्वेरी विजार्ड, क्वेरी डिज़ाइन और मैक्रो। तो क्वेरी विजार्ड में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्वेरी विजार्ड में क्लिक करेंगे तो न्यू क्वेरी करके एक आपको डायलॉग बॉक्स मिलेगा, उसमें सिंपल क्वेरी विजार्ड को सेलेक्ट करके ओके बटन को क्लिक करना है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर सिंपल क्वेरी विजार्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर टेबल या क्यूरीज में से उस टेबल को लेना है जिस टेबल का हम क्यूरी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट डिटेल नाम की टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। अवेलेबल फील्ड्स है, जितने कॉलम हमारे पास हैं वे सभी की लिस्ट है। आप चाहें तो एक एक कॉलम को सिलेक्ट करके और इस तरफ यहाँ पर भेज सकते हैं, और चाहें तो आप डबल बटन को क्लिक करके हम एक बार में ही पूरे अवेलेबल फील्ड्स को सिलेक्टेड फील्ड्स में ला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर अपने पास एक और डायलॉग बॉक्स आएगा, वुड यू लाइक टू डिटेल समरी। तो यहाँ पर डिटेल हमें क्लिक करना है क्योंकि हम पूरे फील्ड को देखना चाहते हैं, और नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। इसके बाद व्हाट टाइटल डू यू वांट टू गिव योर क्वेरी। क्वेरी को आप अपने आवश्यकता अनुसार हम टाइटल यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पर दे दिया स्टूडेंट क्वेरी, मैंने इसको नाम दिया। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। और नीचे हमको दूसरे विकल्प को मॉडिफाई द क्वेरी डिज़ाइन को चयन करना है और फिनिश पर क्लिक करना है। जैसे ही आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट टेबल के नीचे ये स्टूडेंट क्वेरी जो आपने नाम दिया है उसका एक क्वेरी यहाँ पर तैयार हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट क्वेरी नाम की क्वेरी तैयार हो गई है। यहाँ पर देखिए फील्ड दिख रहा है, सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फीस, एड्रेस, टेबल है स्टूडेंट डिटेल, सभी से वही उसी से डेटा हमारा प्राप्त होने वाला है। शॉर्टिंग का प्रयोग आप चाहें तो कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में या जैसी आपकी इच्छा। शो में आप सभी को इसे क्लिक करके रखना है, जिस जिस कॉलम से डेटा आप चाहते हैं उन कॉलम को यहाँ क्लिक करके रखिएगा, राइट उनमें होना चाहिए, तभी उनसे डेटा हमारा निकल करके आएगा। मेन जो यहाँ पर है क्राइटेरिया, अब यहाँ पर हमें यह चूज़ करना है कि हमें अपने डेटा को किस
किस फील्ड के अनुसार डेटा हमको प्राप्त होना चाहिए। तो सपोज़ यहाँ पर मैं सीरियल नंबर के हिसाब से डेटा को यहाँ पर प्राप्त करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ब्रैकेट हमें ओपन करना है और यहाँ पर मैंने लिखा एंटर द सीरियल नंबर, ब्रैकेट मैंने क्लोज़ किया, ये मैंने क्राइटेरिया बना लिया, ये मेरी क्यूरी बन गई। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट क्यूरी में राइट क्लिक करना है और उसे सेव करना है। सेव करने के बाद उसे क्लोज़ करना है। जैसे ही क्लोज़ करेंगे और ये यहाँ पर अब हम अपने क्यूरी को देखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट क्यूरी जो आपके सामने है उसे आप डबल क्लिक करिएगा, तो जो हमने यहाँ पर क्यूरी में क्राइटेरिया लिखा था एंटर द सीरियल नंबर, वो हमारे सामने यहाँ पर डिस्प्ले होता है। अब हम यहाँ पर सीरियल नंबर डाल के अपना डेटा प्राप्त कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर 2 डाला और ओके पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखिए मेरे रिकॉर्ड में से जो दूसरे नंबर का सीरियल है उसकी रिकॉर्ड मेरे सामने प्रदर्शित हो रही है। आप चाहें तो और भी कई क्यूरीज का इस्तेमाल यहाँ पर और कर सकते हैं। फिर मैंने इसको क्लोज़ किया, फिर मैंने इसको ओपन किया, अब यहाँ पर मैंने 3 डाल दिया, ओके किया, तो ये तीसरे नंबर का डेटा मेरे सामने। तो ये बहुत आसान टॉपिक है, क्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया किस तरह से क्यूरी को बनाया जाता है, क्यूरी को कैसे डिज़ाइन करते हैं और एम एस एक्सेस में किस तरह से क्यूरी को यूज़ करते हैं। बहुत बड़े हैवी डेटाबेस में से जब हमें अपने आवश्यकता अनुसार किसी प्रकार का डेटा प्राप्त करना होता है तब हम क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ आप सभी इसका प्रयोग करें और अपने घर में प्रैक्टिस भी करें। आई होप ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। आगे मैं क्यूरी के और दूसरे कैटेगरीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। ये तो बहुत नॉर्मल है, कुछ क्रिटिकल क्यूरीज़ आती हैं उनको कैसे हम डिज़ाइन करते हैं वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।